तो यस मैं करेंट बोर्ड में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आपको मैं बता दूं दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं, जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, हर एग्ज़ाम के लिए अभी हम जो है केमिस्ट्री का पार्ट्स लेकर लूसेंट लेकर आए हैं, जो कि खासकर वन डे एग्जाम के लिए सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसी को आज हम लेकर आए हैं। आशा करेंगे दोस्तों ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले वाली वीडियो मैंने पूरी तरह से केमिस्ट्री कहाँ शब्द से उत्पत्ति हुई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कीमिया शब्द आपका नाम आया होगा, तो केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने चर्चा किया। साथ ही साथ मैंने बताया था कि ये ग्रीक वर्ड से आया है। इसके साथ साथ मैंने आपको और सारा चीज़ बताया था कि लेवेसियन ने जो है सबसे पहले रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये सारा चीज़ें हमने फैक्ट के रूप में जाना। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि देखिए अपन जानते हैं कि देखिए पढ़ना क्या है। देखिए महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो जो ये मिश्रण होते हैं, जो ये देखते हैं, तो इसमें एक चीज़ हमें देखने को मिलता है अलग अलग थी कि देखिए सारी चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बट उसमें से क्या फैक्ट है, आपको क्या पता है, ये भी आपको अलग अलग करना है। जैसे अभी मैं कह दूँ कि यौगिक क्या है, तो जैसा कि हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ये चीज़ें पता ही है कि यौगिक क्या है। यौगिक बहुत ही आराम से समझ सकते हो। यौगिक के साथ साथ अगर आप कोई पूछे कि तत्व क्या है, तो ये भी आप जानते हो, तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, केवल पढ़ लिया जाता है। बाकी जो आपको भूल जाना होता है, जो फैक्ट आप भूलते हैं, उसको ज़्यादातर दो दो तीन दिन बाद रिवीजन करिए, ठीक है। तो जैसे मैं आज वही चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे रवाकरण, जैसे मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं, उसको चर्चा हम आज करेंगे। तो जैसे सबसे पहले आपका देखते हैं रवाकरण। रवाकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन। देखिए दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन किन किन तत्वों को करते हैं, तो देखो क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली हम लोग घर में भी किए हैं, और आप लोग भी ऐसे नहीं हैं कि कहीं ना कहीं इसका आप लोगों ने किया हो। जैसा कि इस विधि द्वारा ज़्यादातर इनऑर्गेनिक जो ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं ना, उनको हम अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। जैसे इस विधि से अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, ठीक है। इसे जो क्या है कि देखो मेरी बात समझना, गर्म अवस्था में ही कीप द्वारा छान लिया जाता है, और छानने के बाद विलयन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा कर लिया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। जैसा शर्करा और नमक के मिश्रण, इथाइल एल्कोहल, ये सारा चीज़ें। देखिए बेटा, अगर हमें शक्कर को कहीं से निकालना है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में शक्कर मिला हुआ है और उसे हमें अलग करना है, तो उसे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे गर्म करेंगे, गर्म करते जाएंगे। गर्म करने के बाद उसे फिर हम छान लेंगे, और छान करके उसे हम क्रिस्टल के रूप में कर लेंगे, और वही क्रिस्टल के रूप में हमें शक्कर मिल जाता है। तो इस तरह नमक और शक्कर को हम अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों और विधियाँ होती हैं, उन विधियों को आज हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा कि कहाँ प्रयोग। अब देखिए दूसरा विधि जो है आसवन विधि। क्या है आसवन विधि? आसवन विधि क्या है? देखिए डिस्टिलाइजेशन, जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर अधिक होता है, जब कोई दो द्रव हैं उनका क्वथनांक, क्वथनांक मतलब क्या होता है बेटा, बोल, अरे क्वथनांक मतलब उबलना, क्वथनांक मतलब उबलना। इसके बाद जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है, तो उस मिश्रण को आसवन विधि से हम पृथक करते हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं कि द्रव के मिश्रण को अलग करने की विधि है, जैसे वेपराइजेशन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें आप एक बिलियन में डाल दिए, अब देखिए हो सकता है ये जो बिलियन में डाला हुआ बिलियन है, वो उनके जो मिले हुए आयन मतलब बिलियन है, वो उनके जो क्वथनांक होगा, कुछ हो सकता है कम में उबल जाता है, कुछ ज़्यादा में उबलता होगा। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इसे आसवन विधि से अलग कर लेते हैं, है ना। तो उसे ही वाष्पीकरण एवं दूसरा भाग संघनन कहलाता है। जैसे जो चीज़ें उड़ जाती हैं, अब जैसे माना जिसने जो जल्दी से गर्म हो जाता है ना, तो जल्दी से वाष्प बनेगा ना, तो वो तो चला गया, और जो बच जाता है उसको संघनन, यानी वाष्पीकरण और संघनन दोनों विधि इसमें होता है, किसमें, आसवन विधि में। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट में जैसे उर्ध्वपातन की बात करते हैं। उर्ध्वपातन क्या है? सब्लिमेशन जिसको कहते हैं। तो सब्लिमेशन नॉर्मली नेफ्थलीन वाला चीज़ है, आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल भी किया होगा। नेफ्थलीन में क्या होता है, देखिए वो ठोस अवस्था में रहता है, अब उसको डायरेक्ट हम गर्म कर देते हैं, और जैसे गर्म करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट वाष्प में बदल जाता है, वेफर में। इसी प्रोसेस को उर्ध्वपातन या सब्लिमेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सब्लिमेशन, ठीक है। इसमें एक ठोस उत्पादित हो, दूसरा नहीं। इस विधि में कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एड्रासीन आदि को अलग करते हैं,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक आंशिक आसवन भी होता है। आंशिक आसवन का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इस विधि में वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है, ठीक है, जिनके क्वथनांक में अंतर बहुत ही कम होता है, ऐसे एलिमेंट्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। इस विधि में वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांक का अंतर बहुत कम होता है, जैसे खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल तार आदि, इसी विधि द्वारा अलग करते हैं। क्योंकि देखिए इनमें बहुत ज़्यादा क्वथनांक का अंतर नहीं रहता है, उसे आंशिक आसवन कर देते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए वर्ण लेखन, एक क्रोमैटोग्राफी, जैसा कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल जरूर किया होगा, जितने भी पढ़ा होगा, अगर साइंस में हैं आप लोग, साइंस बैकग्राउंड से थे तो क्रोमैटोग्राफी का जो है नॉर्मली, साइंस की बात नहीं है, टेंथ में तो नॉर्मली आप सब लोग स्टैंडर्ड में किए होंगे। तो क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है, यह विधि इस विधि पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, तथा ये किसी भी अधिक शोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं, इस प्रकार से पृथक कर लिया जाता है। जैसे क्रोमैटोग्राफी होता है और जिसका आपको करना होता है वहाँ पे बिंदी में इसको ड्रॉपिंग कर दी जाती है और वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जाता है, उसके इसमें जो है कलर्ड पट्टी आती रहती है, तो जहाँ पे आती है उसको फिर हम उसे मेजर कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस तो आप लोग नॉर्मली हम लोगों ने प्रैक्टिकल में किया होगा, टेंथ स्टैंडर्ड में नॉर्मल सभी लोगों ने किया होगा। अब भाप आसवन समझेंगे। अब देखिए भाप आसवन का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। अब इसके साथ स्टीम डिस्टिलाइजेशन होता है। स्टीम डिस्टिलाइजेशन, इसमें क्या प्रोसेस होता है बताओ, इसमें क्या होता है कि जैसे गर्म करते हैं, इस विधि में क्या होता है कि कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, ठीक है, और जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता जाता है। इस विधि द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं, जैसे एसीटोन। अब जैसे देखो भाप आसवन क्या होता है भैया, देखो जो नॉर्मली एसीटोन एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जो होते हैं, इनको यही प्रोसेस जहाँ एल्कोहल बनता है उस लैब लेबोरेटरी में भाप आसवन करते हैं। उसमें क्या करते हैं आप लोग, गर्म करते हैं और जिसका जितनी क्वथनांक में होता है वो उतने में तोड़ जाता है, अब घटित हो जाता है, ठीक है। तो इस विधि का प्रयोग हम लोग भाप आसवन विधि द्वारा करते हैं, तो खासकर मेथिल एल्कोहल, एसीटोन वगैरह हम इस विधि से अलग करते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ को आप गर्म करेंगे तो पदार्थ की अवस्थाएं तो परिवर्तन होगा, तभी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अभी केमिस्ट्री की परिभाषा भी हमने देखा था, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो इसको समझो, द्रवणांक क्या है दोस्तों, द्रवणांक बताओ क्या है, आपने द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट कहीं ना पढ़ा होगा, अरे पढ़ा होगा भैया, तो इसको क्या पढ़ने की बार बार ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको जो समझ में आ गया द्रवणांक मतलब किसी चीज़ का पिघलना, तो पिघलने से ही आप आधा से अधिक चीज़ें जान गई, है ना। अब देखो इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं, गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है या उनमें से अधिकांश परिवर्तन एक विशेष दाब पर, एक नियत ताप पर होता है, यह नियत ताप वस्तु का द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट कहता है। अरे जैसे फ्रिज से आप कोई बर्फ़ निकालते हैं और बर्फ़ आप बाहर रख देते हैं तो धीरे धीरे वो बर्फ मेल्ट होने लगता है, यानी पिघलने लगता है, इसी तरह इसको द्रवणांक कहते हैं। अब हिमांक क्या है, इसी का उल्टा, क्या जब आप पानी को फ्रीजर में रखते हैं या उसे 0 डिग्री टेम्परेचर पर करते हैं तो वो बर्फ़ जम जाता है, खासकर पानी का 0 डिग्री होता है तो फ्रीजिंग पॉइंट उसे कहते हैं। किसी भी विशेष ताप पर या नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक कहते हैं। समानतः पदार्थ के द्रवणांक एक हिमांक का मान बराबर होता है, जैसे बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक 0 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं आया, हो गया, ठीक है। तो इस तरह के हमने देखा अशुद्धियों को उपस्थित से पदार्थ का हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। हाँ एक बात और है, अगर हमारा पानी शुद्ध है तब वो 0 डिग्री पे ही द्रवणांक होगा और 100 डिग्री पर उसकी जो भी है मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना, फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एक बात बताओ, मतलब नॉर्मल, लेकिन उसमें अगर कोई गंदा पानी है उसमें कुछ अशुद्धियाँ मिला दी हैं तो उसका जो द्रवणांक में और उसमें फ्रीजिंग पॉइंट में भी उसकी जो पॉइंट होगी वो थोड़ा सा डिफरेंस आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए अशुद्धियाँ मिल जाने से भैया वो उनकी जो है ना अलग अलग गुण हो जाते हैं थोड़ा सा, ये जो ये बात समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और समझा दें, द्रवणांक पर दाब का क्या प्रभाव था। अगर मान लीजिए आप किसी चीज़ को द्रवणांक कर रहे हैं, द्रवणांक मतलब द्रवित कर रहे हैं, यानी उसे द्रव में बदल रहे हैं, तो उसमें दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देख भैया अगर आप द्रवणांक हो रहा कोई चीज़ उसको दाब बढ़ा रहे हैं, दाब बढ़ाने से क्या होगा, वो जिसका आयतन गलने पर बढ़ जाता है, जैसे भाई उस वो और गलने लग जाएगा। अरे आप देखिए एक मोम लीजिए, मोम पहले मोटा है, मान लो बड़ा मोटा सा इतना बड़ा है, लेकिन उसको मैं चिपका बना दिया और चिपटा दिया किसी से और पतला बना दिया तो वो जल्दी से पिघल जाएगा। तो मोम और तांबा इनके दाब बढ़ाने से क्या होता है, और ज़्यादा इनका आयतन गलने लग जाता है,
इनकी पदार्थों का द्रवणांक दाब बढ़ने पर घट जाता है। किनके दब, अब इसके तो बढ़ जाते हैं और किसके घट जाते हैं, तो बर्फ, अगर बर्फ का दाब बढ़ा दोगे ना तो द्रवण द्रवित नहीं होगा, वो रुक जाएगा वहीं पे। ढलवा लोहा में भी यही होता है। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके दाब बढ़ाने से आयतन गलने से घटता है और एक जिसके दाब बढ़ाने से आयतन गलने पर बढ़ जाता है। तो यही प्रोसेस होता है द्रवणांक का। अच्छा, गलने तथा जमने पर आयतन में परिवर्तन कैसे होता है, गलने तथा जमने पर आसमान आयतन में क्या परिवर्तन होता है उसको समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्रिस्टली पदार्थ में से अधिकांश पदार्थ गलने पर आयतन में बढ़ जाते हैं, समझ रहे हैं ना। ऐसी दशा में ठोस अपने ही गले हुए द्रव में डूब जाता है, जैसे बर्फ, और जैसे ढला हुआ लोहा जो है, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मत, पीतल आदि गलने पर आयतन में सिकुड़ते हैं। अतः इस प्रकार का ठोस अपने ही गले द्रव में प्लावन करते रहते हैं, जैसे बर्फ। इसमें क्या होता है, इसमें गलने पर वो डूब जाते हैं और ये तैरते रहते हैं। तो देखिए गलने में जमने पर आयतन में क्या परिवर्तन होता है, तो जो डूबेगा वो उतने ही आकार के चीज़ों को बाहर कर देगा, चाहे पानी को उतना गिरा देगा, और जो तैरेगा वो भी अपना स्थान के हिसाब से वो भी गिरा देगा, लेकिन वो क्या कहना चाहिए, वो तैरता रहता है, प्लावन करता रहता है। इस विशेष गुण के कारण बर्फ का जो है टुकड़ा गले हुए पानी में प्लावन करता रहता है। अच्छा, सांचे में केवल वे पदार्थ ही ढाले जाते हैं, सुन लो, किसी का सांचा तभी बना जाता है बेटा, वही पदार्थ ढाले जा सकते हैं जो ठोस बनने आयतन में बढ़ते हैं, क्योंकि सभी वे तभी तो वे सांचे आकार के पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, सांचे में वही पदार्थ को रखा जाता है सांचे के आकार के, इसलिए क्योंकि ठोस बनने पर आयतन में बढ़ते हैं, उनका आयतन जो है ठोस बनने पर बढ़ता है, इसलिए उसको सांचे पर रखते हैं। जैसे कोई ईंट है, अगर ईंट को एक बार सांचे में बना दो और वो ठोस हो जाए, उसको फिर उसी सांचे में डालोगे तो हो सकता है हमारा ईंट उसकी आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो उसी में नहीं आएगा। मुद्रण धातु ऐसे पदार्थ के बने होते हैं जो जमने पर आयतन में बढ़ते हैं। मुद्रण भी, जैसे रुपए, सिक्के, ये सब, चांदी और सोने की मुद्रा ढाली नहीं जाती है, ध्यान रखिएगा, ये केवल मुहर लगाकर बनाई जाती है, ठीक है, इन्हें ढाला नहीं जाता है। तो ये सारा चीज़ें आपने देखा, तो आपने द्रवणांक और गलनांक अच्छी तरह से समझ लिया, आशा करते हैं पूरी तरह से क्लियर हो भी हो गया होगा समझ। मिश्र धातुओं का द्रवणांक मेल्टिंग पॉइंट उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से कम होता है, है ना, क्योंकि अशुद्धियाँ डाल देने पर पदार्थ की गलनांक घट जाती है। इसलिए अब हिमकारी मिश्रण के बारे में देखेंगे। हिमकारी क्या है, फ्रीजिंग मिक्सर। ऐसे किसी ठोस को उसके द्रवणांक पर गलने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जो उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, या ऊष्मा साधारणतः बाहर से निकलती है, जैसे गल में बर्फ का टुकड़ा मिलाने पर बर्फ गलेगी, परंतु गलने के लिए द्रवणांक पर वह जल में ऊष्मा लेगी, जिससे जल का तापमान घटने लगेगा और मिश्रण का ताप घट जाएगा। हिमकारी मिश्रण का बनाना इसी में सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण पर, जैसे घर पर आइसक्रीम जमाने के लिए नमक का एक भाग, एक बर्फ का तीन भाग ले लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है, इसी से मिश्रण का ताप -22 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब हम जब भी सेशन बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन हमारा वाष्पीकरण यानी वेपराइजेशन की बात होगी, और इसी की चर्चा हम लोग अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।